भारतवर्ष आजाद हुआ है, दलित समाज इनकी मानसिकता से आज भी आजाद रही है। ये वही मानसिकता रखते हैं कि हम इनके घड़े का पानी भी नहीं पी सकते, जबकि घड़ा भी वे एक सूत्री बना के भेजता है, एक कुम्हारी अपने पैरों से मिट्टी खोद के जब घड़ा बना के भेजता है। यहाँ पे आस्था आ गई है, धर्म आ गई है, दिमाग में इनके इस तरह का भूसा भरा हुआ है कि हमारा ऐसा करने के ऐसा मंत्र हो जाएगा, ऐसे भस्म ये आज भी तवीज गंडों पे और भभूत पे लगे हुए हैं। अमृत मृत महोत्सव है, मेरे समाज का एक बच्चा इस तरह से मार दिया जाता है, कोई भी सरकार उसमें कुछ बोलती नहीं है, तो हमारा किस चीज़ का आज़ादी का महोत्सव? हमारे लिए तो ये एक मृत महोत्सव है। हम विनती करते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं, हमारे लबों में भी वही खून है जो आपके में है। अगर हम चमड़ा उतारना जानते हैं तो चमड़ा हमने औजारों से सीखा है, चमड़ा जब हम जानवर का उतार सकते हैं तो इंसान की तो बहुत मालूमी खा। हम गले पे औजार हमारे मारेगा तो हम क्या करेंगे? ये भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए किसी का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 24 अकबर रोड, और यहाँ पर जिस तरीके से इंद्र मेघवाल के साथ जो बर्बरता हुई वो आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से उस मासूम को जो है जातिवाद के तहत मौत के घाट उतार दिया गया। उस मासूम का सिर्फ कसूर ये था कि उसने मटके से पानी पिया था। तो सोचिए, ये जिस तरीके से जातिवाद फैलाया जा रहा है और 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन वहाँ मासूम जो है इन जातिवादों के भेंट चढ़ जाता है। तो उसी पर जो है अभी इन लोगों से बात करते हैं जो 24 अकबर रोड पर यहाँ पर ये लोग आए थे इंद्र मेघवाल को ही जो है उसके न्याय के लिए। तो सर, ये जो 75 साल आज़ादी के मनाए जा रहे हैं तो उसमें ये दलित लोग कहाँ पर हैं? अमृत महोत्सव का जो नाम दिया गया है पूरे देश में, ये अमृत महोत्सव नहीं है, दलित समाज के लिए मृत महोत्सव है। मृत महोत्सव है, मृत महोत्सव है, क्योंकि जिस समाज को भारतवर्ष आजाद हुआ है, दलित समाज इनकी मानसिकता से आज भी आजाद रही है। ये वही मानसिकता रखते हैं कि हम इनके घड़े का पानी भी नहीं पी सकते, जबकि घड़ा भी वे एक सूत्री बना के भेजता है, एक कुम्हारी अपने पैरों से मिट्टी खोद के जब घड़ा बना के भेजता है, जब इनको ये पता नहीं लगता कि ये पैरों से कहाँ से खोद के आ रहा है, लेकिन जब वो घड़ा इनके पास पहुंच जाता है, जब वो पवित्र हो जाता है, जैसे गंगा जल छिड़क के शुद्ध कर देते हैं, अगर इनकी शुद्धिकरण व्यवस्था इतनी बेहतर होती तो भारत 12,200 कितने सालों से बार बार गुलाम रहा है। ये जो कहते हैं हमें गुलाम बनाया, वो हमने नहीं बनाया था। हम लोग जब भी झंबे बांध के पीछे घूमते थे, हमारे माँ बाप जब भी भैंसों की खाल उतारते थे, जूतियाँ बनाते थे इनके लिए। ये गुलाम इन्हीं के लोगों ने बनाया, इन्हीं की सोच ने बनाया, इनकी दिमाग ने और इनकी मानसिकता ने बनाया। उन्होंने गुलाम बनाया और आप लोग गुलाम बन रहे हैं? हम गुलाम नहीं बन रहे हैं, हम उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उस चीज़ का विरोध करने का नतीजा है समानता के अधिकार के तहत कि हमारा एक बच्चा प्राइवेट फीस दे रहा है, प्राइवेट स्कूल का संचालक उसको घड़े से पानी हाथ लगाने पे, मात्र छू देने पे उनको जान से मार देता है, इस तरह की दूर। और फिर जब लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं, उसी राजस्थान सरकार में एक कन्हैया लाल को एक मुस्लिम कोई मार देता है वहाँ पे, तो ये एक राजनीति चमकाने के तहत उसको 50 लाख रुपए देते हैं, दो दो सरकारी नौकरी देते हैं। और जब एक दलित बच्चे के साथ इस तरह का अत्याचार कोई जातिवादी दूसरी बिरादरी करती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए और पुलिस कार्रवाई कर रही है। 50 की तो अभी घोषणा कर दी है, 50 की घोषणा कर दी है। इससे पहले जितेंद्र मेघवाल था, मूछों के ऊपर वो मार दिया गया, आज तक उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जबकि वो सरकारी नौकरी पे उसका आश्रित के तहत, ये बहुत दिल्ली में भी आपने देखा है, दिल्ली हमारे आस पड़ोस से जो कोई परिवार से गुजर जाता है तो उसके बच्चों को, फैमिली को आश्रित के तौर पर नौकरी मिलती है, उसके परिवार को मिलनी थी जितेंद्र मेघवाल के। इंद्र कुमार है ये मेघवाल, उसके माँ बाप का वो सहारा बच्चा, आगे भविष्य में उनके लिए बुढ़ापे की लाठी बनता, उसको उन्होंने लाश को दाह संस्कार का भी नहीं अधिकार दिया। वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने इतना लाठी बजाई महिलाओं पे, औरतों पे इतना अत्याचार किया कि जो वहाँ पे समाज, बहुजन समाज, दलित समाज इकट्ठा हुआ विरोध करने के लिए, हम अपना अपनी विरोध भी नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ भी नहीं उठाएं। क्या संविधान ये रह गया, भारत का लोकतंत्र ये रह गया जो लोकतंत्र की बात करती है माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जो भरे मन से बात करते हैं, ये उनका संविधान का वो रह गया कि भाई आप लोकतंत्र के तहत इतना भी नहीं बोल सकते कि हाँ हम अपनी आवाज़ उठाएं, हमारे बच्चों को मार दिया गया, क्यों मार दिया गया? क्या राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट आया अभी तक कि हाँ मेरी सरकार में ये अत्याचार हुआ है? क्या नहीं आना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था जब वो दूसरों के मुद्दे उठाते हैं? माननीय प्रियंका गांधी जी आना चाहिए था, वो जगह जगह पैदल मार्च करती है इस तरह से जब बहुजन समाज पे आपत्ति, लेकिन नहीं, क्योंकि वोटों का खेल है, अपर कास्ट, स्वर्ण कास्ट,
लोअर कास्ट, इस तरह से समाज को डिवाइड करके रूल पॉलिसी। आप लोग क्यों बटे हुए हैं, आप लोग क्यों बट रहे हैं? आप ही का समाज जो है अलग अलग बटा हुआ है, कोई अलग पार्टी खड़ा कर रहा है, कोई अलग अपना संगठन बना रहा है। जी वो ठीक है, देखिए हमारी आर्थिक स्थिति जो है जगह जगह भिन्न भिन्न है। कहीं पे हम लोग मजदूरी करते हैं, कहीं पे सरकारी नौकरी में भी हैं, कहीं पे हम खेती किसानी में भी हैं, कहीं पे हम व्यापारी वर्ग में भी हैं। तो जगह जगह से अपना इस तरह से जो पार्टियां हमारी हैं, जैसे BSP पार्टी भी है, हमारे रामविलास पासवान जी की भी पार्टी है, और भी बहुत पार्टियां हैं जो दलित समाज को वो सपोर्ट करती है। मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि वो एक मंच पर आएँ, और एक मंच पर जब अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि जब झाड़ू की जो तीलियाँ होती है सीखें वो बिखर जाती है तो कोई ताकत नहीं होती, जब बन जाती है तो उनको कोई तोड़ भी नहीं पाता। हमेशा से यही क्यों हुआ है, आप पार्टियों की जो है हमेशा आस देखते हैं कि पार्टियां आएंगी तब संगठित होंगे और तब सुरक्षित होंगे, आप लोगों में एकता क्यों नहीं है, एक समाज क्यों नहीं बना के रखते आप लोग? जब वोट होता है तो आप ही लोग जो वहाँ सबसे आगे दिखते हैं वोट देने में। देखिए ऐसा है, मेरा अपना निजी अनुभव यह है, मैं बागपत जिले से आता हूँ, और हमारा जो युवा शक्ति दल है हम बहुत जगह जाते हैं जहाँ भी हमें समाज के बारे में कोई भी किसी तरह की दुर्घटना मिलती है, और हम ये कोशिश करते हैं अगर हमारा किसी को गुर्दा दे के कोई बच्चा बच जाए, हमारा खून दे के किसी का बच्चा बच जाए, चाहे वो भले ही किसी भी समाज का हो, किसी राजपूत समाज का हो, किसी पंडित समाज का हो, किसी भी समाज का हो, अगर किसी का कोई घर वाला परिवार वाला बचता है तो हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन लोग हमारे से इतनी घृणा करते हैं, उनकी सोच इतनी जातिवादी है कि हमारे मटका छू लेने से, हमारे हाथ लगाने देने से वो अपवित्र हो जाता है। उनके लिए गाय का पेशाब पवित्र है, लेकिन एक दलित बहुजन समाज पवित्र नहीं है इस देश में। ये बार बार सिद्ध होता आ रहा है, हर जगह बार बार ये घटना हो रही है, और कोई भी बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई नहीं कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ इन्होंने एक मोहरा बनाया हुआ है वोटों के लिए, और डिवाइड इस तरह से लोग हो रहे हैं। छुटकारा मिलेगा इस सब चीज़ों से, कैसे छुटकारा होगा? देखिए वो आपको भी पता है, अगर मिल के चलेंगे तो संवर जाएंगे, वरना हम तिनकों की तरह बिखर जाएंगे, और बिखर ही रहे हैं हम जैसे जैसे अलग अलग हम। तो मिल क्यों नहीं रहे आप लोग? मिलने की हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमने आज नवाब सतपाल भाई जालौर पहुंचे हैं, कल चंद्रशेखर भाई भी पहुंच रहे हैं, हम सभी लोगों से बराबर संपर्क में भी रहते हैं कि आप सब लोग एक मंच पर आइए, एक मंच पर आइए, एक जगह अपनी आवाज़ उठाइए। इस तानाशाही से अपनी अलग अलग गद्दियाँ चाहिए, सबको अपने अलग अलग सत्ता बनानी है, सत्ता में अपनी सरकार बनानी है। सत्ता का तो मामला ऐसा है, बहन जी भी सत्ता में रही हैं, बहन जी चार चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, मगर हाउस अरेस्ट बोला जाता है, हाउस अरेस्ट रहती हैं वो। साइकिल पे बहन जी ने जिस तरह से कन्वेंशन किया अपने लिए, वो क्या संबंध अर्जित कर दिए? कुछ भी नहीं है। उन्होंने जितना समाज के लिए किया है, जितना कानूनी रूप से वो लीगली बोलती है, अब हम यहाँ पे आए, हमें एक मिनट के लिए विरोध प्रदर्शन करने का बोलने का मौका नहीं दिया गया, पुलिस तुरंत हमारे युवा शक्ति दल की पूरी टीम को गिरफ्तार करके ले गई यहाँ से। तो अब हम क्या, इसलिए बहन जी कहती है कि रोड पे मत निकलो, लेकिन रोड पे निकलना पड़ेगा, अब हमें अपनी जान। रोड पे नहीं निकलने के लिए कहती है तो आप रोड पे नहीं निकलेंगे? नहीं, रोड पे निकलेंगे हम। हम बराबर मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। अब की बार अगर हम, मेरे सामने कोई जातिवादी गुंडा मेरे बच्चे को, मैं किसी को हाथ लगाएगा, जैसे वो हाथ लगाएगा हम उससे डबल जवाब देंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं बचेंगे, ना हमारा समाज कहीं भी कमजोर, अकेला देख के, कमजोर देख के ये चोरों की तरह पीछे से वार करते हैं, सामने पे इनकी किसी भी समाज की इस तरह से हिम्मत नहीं। वार क्यों हो रहे हैं? आप लोगों ने बढ़ावा दे रखा है इसीलिए वार हो रहे हैं। आपको मालूम है जिस स्कूल में वो पढ़ता था, सरस्वती शिशु मंदिर करके स्कूल जो है वो RSS का है, उनका स्कूल बन जा रहा है, बताइए। 75 सालों से इस देश में सरकार, गवर्नमेंट जो है BJP या कांग्रेस की रही ना, तो देश में जो शिक्षा नीति लागू होती है उस शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूल, बताइए पिछले 8-10 साल में, 20 साल में कितने सरकारी स्कूल खोले गए हैं? शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, बिजनेस बना दिया, जब बिजनेस बनाएंगे तो गरीब आदमी का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। आज लोग आरक्षण का रोना रोते हैं, आरक्षण में हमें क्या मिला है? 4th क्लास की नौकरी, 1,50,000-80,000 तक की नौकरियाँ मिलती हैं। 300 जज इस देश में सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं कॉलेज नियम के तहत, और वो 300 जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं वो 300 परिवारों के, किसी का भतीजा किसी का कुछ, वही बनते चले आ रहे हैं। क्या ये व्यवस्था नहीं है? आप जांच करा लीजिए, बिल्कुल वही व्यवस्था है। बहुत सी ऐसी व्यवस्था कैसे खत्म होगी? ये जो चलती आ रही है वही व्यवस्था, तो कैसे टूटेगी? कैसे तक ये जातिवाद के बंधन नहीं टूटेंगे? शिक्षित भी तो नहीं है आपके समाज में लोग? शिक्षित के लिए हमारी तो वो धार कुंद कर दी गई है, और भी किया जा रहा है। जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं,
अभी हमारे उत्तर प्रदेश में जो कांवड़ यात्रा थी उन पे हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए और मेरे तो देश कांवड़ यात्रा में कौन लोग थे, आप ही लोगों में से थे सब? नहीं, हमारे लोगों में से नहीं थे, ये हम पे जो आरोप है कि हमें ही आप मीडिया भी जो इस तरह से ब्लेम करती है, मैं माफी चाहूंगा, आप नहीं होंगे कि आप लोग ही उसमें जाते हैं, सब लोग इनके भी जाते हैं, हर बिरादरी के लोग उसमें जाते हैं और बहुजन समाज काफी हद तक कोशिश करता है कि उस चीज से बचे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि वो 75 वो कांवड़ पे 8-8, 10-10 दिन तक सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई, सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां कर दी गई, वो उनके सेवा में लग रहे हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं वहाँ पे। और जो मेरे देश के युवा जो खिलाड़ी दिन रात सालों तक मेहनत करते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों से पदक जीत के लाए, उनके लिए कोई फूल नहीं बरसाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आस्था आवी है, धर्म आवी है, दिमाग में इनके इस तरह का भूसा भरा हुआ है कि हमारा ऐसा करने के ऐसा मंत्र हो जाएगा, ऐसे भस्म ये आज भी तबीज गंडों पे और भभूत पे लगे हुए हैं। अभी आपने कहा कि कांवड़ यात्रा में उनके लोग भी थे, लेकिन वहाँ नेताओं के तो बच्चे दिखते ही नहीं है, वहाँ तो वो बाहर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ाई करते हैं विदेशों में, आप क्यों नहीं भेजते अपने बच्चों को? आप लोगों ने आस्था के धर्म संकट में बांध रखा अपने बच्चों को। जो समाज 5000 सालों तक आप किसी को घर में गुलाम बना के रखिए और आप उसे 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए या 50 दिन के लिए छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल बराबर नहीं आ पाएगा। जिन्होंने इस देश में अपना इस तरह का सिस्टम बना के रखा कि हम इस यहाँ के जमींदार हैं, हम यहाँ के बिल्कुल जैसा हमारा धार्मिक कहेगा वो है और बाकी ये रया है। रया एक मुगल काल का वर्ड था, रया मतलब जो मजदूर वर्ग होता था, जब उन पे अपनी खेती नहीं थी, जमीनें नहीं थी, कुछ भी नहीं था। देश आज़ादी के बाद वो धीरे धीरे कहीं चपरासी लगे, कहीं कुछ, किसी पे किराया था तो दिल्ली आ गए, कोई कहाँ पे बस गया, कोई कहाँ पे, वो अपनी स्थिति में सुधार कर रहे हैं। अब ये भी उनको हजम नहीं हो रहा है, ये भी उनको हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए धीरे धीरे शिक्षा के मंदिर बंद किए जा रहे हैं, संविधान का गला घोटा जा रहा है, हर जगह बहुत घटना आप जगह देखती है, ये इसी कारण से। 15 अगस्त को आपने तिरंगा फहराया था? नहीं, हमने कोई तिरंगा नहीं फहराया, घर घर तिरंगा बोला जा रहा है, लेकिन वही अगर संविधान भी बोला जा सकता था, लेकिन संविधान की बात नहीं। घर घर तिरंगा तो बांटा जा रहा है, ठीक है जी, घर घर संविधान क्यों नहीं बांटा जा रहा, वही मेरा सवाल है। मैं भी ये सवाल जनता से इस देश की सरकारों से पूछना चाहूंगा कि आप घर घर तिरंगा दे रहे हैं, स्कूलों में बहुत जगह हमने बहुत ऐसी वीडियो देखी है कि बच्चे 15 रुपए लाएंगे तो आपको झंडा मिलेगा, 20 रुपए लाएंगे तो आपको झंडा मिलेगा। आप आपके पास राशन कोटे वालों ने कहा कि आपके पास में पैसा है तो आपको झंडा मिलेगा, वरना आपके एक यूनिट का राशन कट जाएगा, कुल मिला के अंधेर कर दी, चौपट राजा। आपने तिरंगा नहीं फहराया, राष्ट्रवादी नहीं है आप? हम राष्ट्रवादी हैं, हम कब कहते हैं हम राष्ट्रवादी नहीं है? फिर देख लीजिए आप, भावनाएं आहत हो जाएंगी आप तिरंगा नहीं फहराया तो। जिसकी होती होंगी, हमारा तो अमृत मृत महोत्सव है, मेरे समाज का एक बच्चा इस तरह से मार दिया जाता है, कोई भी सरकार उसमें कुछ बोलती नहीं है, तो हमारा किस चीज का आजादी का महोत्सव? हमारे लिए तो ये एक मृत महोत्सव है जिस पे कोई नहीं बोलता है। और रही बात तिरंगा फहराने की, ये पहली बार कोई आज़ादी नहीं है, ये देश का 75वां साल नहीं था, 76वीं साल का दिन था, इन्होंने 75वां अमृत महोत्सव बताया नहीं, 1947 का दिन जोड़ लीजिए, 15 अगस्त उस दिन आज़ादी मिली वो भी दिन जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद से हर साल का एक एक दिन जोड़ते तो 76वीं साल का जन्म वो आज़ादी दिन था। ये सबको आज़ादी मिली है, भारतवर्ष मेरा आज़ाद हुआ है, हम भी उसके साथ सब आज़ाद हुए, संविधान लागू हुआ, हमें भी आज़ादी मिली, लेकिन आज संविधान के तहत जो हमारे गले घोटे जा रहे हैं, हमारी कहाँ आजादी है? हर जगह हर मुद्दे पे हमें दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा। अब बताइए आप क्या करेंगे, क्या कुछ करेंगे? आपके लोग तो अब डिटेन हो गए हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, डर जाएंगे या फिर और आगे लड़ेंगे इंद्र के लिए? लड़ाई हमेशा मरते टाइम तक, मेरे बच्चे जो मेरे साथ है मेरे समाज में जगह जगह, ये नहीं है कि हम ही सिर्फ यहाँ 4 जने हैं, हर गाँव में, हर क्षेत्र में, हर पूरे देश में ये लहर है, ये लहर है। और ये सरकार को ही पता होता है, इसलिए वो कहीं नमक तेल चीनी चना बांटती है, कहीं दलित महोत्सव करती है, कहीं बाबा साहब की मूर्तियों पे माला चढ़ाती है, लेकिन जब बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ने वाले अपराधी आते हैं तो उनके खिलाफ, उनके पार्टी वाले जो वहाँ माला चढ़ाते हैं, वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, उनको पुरस्कृत पीछे से करने का प्रयास करती है, क्योंकि वो सिर्फ वोटों के टाइम पर बाबा साहब को मानते हैं, जबकि इतनी महान शख्सियत। दिलों में बाबा साहब नहीं है? नहीं, दिलों में बाबा साहब नहीं है, अगर दिलों में उनके बाबा साहब होते तो जो गुजरात से मेरे बहुजन समाज के लोगों ने 1111 किलो पीतल का सिक्का जो बना के आया है, वो वहाँ से बहुत लोग हरियाणा बॉर्डर पे नहीं रोक दिया होता,
अगर इन्हें बाबा साहब से प्यार नहीं है तो उस सिक्के से क्या नफरत है, वो लोग दान कर रहे हैं अपनी जगह से, कुछ ले थोड़े ना। 15 अगस्त की जो है बैरिकेटिंग की गई है, ये सब सुविधा जो मतलब रोका जा रहा है इसीलिए रोका गया है, बाकी बाबा साहब से तो उन्हें प्यार, क्योंकि देश की जो राजधानी है ये पूरे वर्ल्ड में 256 देश विश्व में है, पूरे विश्व में देश की राजधानी भारत को रिप्रेजेंट करती है, और हमारे यहाँ वो सिक्का उस टाइम पे आता 15 अगस्त के टाइम पे, तो इनकी तिरंगा महोत्सव खत्म होता, ये लोगों की नजरों में कि एक भी तिरंगा यात्रा नहीं है, यहाँ तो दलित ये अम्बेडकर बहुजन यात्रा है, इतना बड़ा सिक्का हुआ रहा है, इन्होंने उसको इसलिए रोक दिया पीछे ही, अब बाद में ले आएंगे। ये इसी तरह से कि भाई 15 अगस्त इतना बड़ा समारोह मनता है, देश विदेश से लोग आते हैं वो इस चीज़ को। अब क्या करेंगे इंद्र मेघवाल के लिए, अब जो आप जहाँ तक होगा हम हर तरह से अपने जितना बलबूते होगा हम तरह से संघर्ष करेंगे, उस परिवार के लिए हमारे से जितना चंदा इकट्ठा करने की कोशिश होगी वो भी करेंगे, और हम अपनी आवाज़ जिस तरह से मीडिया, सरकारी मीडिया तो आप देख रहे हैं, तो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, कोई भी अभी बिहार में आपने देखा होगा कि कितना अंजना ओम कश्यप का विरोध हुआ है, तो जो मीडिया हमारी जो भी आवाज़ जिस तरह से भी उठा रही है, मैं सोशल मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों का भी धन्यवाद है आप हमारी बात सुन रहे हैं, और जो हमारी आवाज़ उठाएंगे, नहीं भी उठाएंगे तो हम फिर भी अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और लिखेंगे, अपने समाज को पढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे, कोशिश करेंगे, और जिस तरह आगे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, हम दूसरे समाज से भी विनती करते हैं, हम विनती करते हैं कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे लबों में भी वही खून है जो आपके में है, माननीय चंद्रशेखर जी जैसे कहते हैं, और ये वो नहीं, हमारे सभी का पूर्वजों का ये काम रहा है, अगर हम चमड़ा उतारना जानते हैं तो चमड़ा हमने औजारों से सीखा है, चमड़ा जब हम जानवर का उतार सकते हैं तो इंसान की तो बहुत मालमूली खाल होती है। संविधान को नहीं मानते फिर आप? संविधान को मानते हैं, जब हमारे साथ कोई हमारी औजार उठा लेंगे, हम गले पे औजार हमारे मारेगा तो हम क्या करेंगे, ये भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है, अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए किसी का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी इन्हीं लोगों से हमने जाना कि किस तरीके से इंद्र मेघवाल के लिए ये लोग यहाँ पर एकजुट हुए थे और अलग अलग जो है राज्यों से ये लोग आए थे यहाँ पर। ये अभी मैं 24 अकबर रोड खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर पूरी पुलिस टुकड़ी भी मौजूद थी, पूरे लोगों को जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जब ये लोग कर रहे थे तो इन्हें डिटेन कर लिया गया, उठा लिया गया। सोचिए किसी मासूम के लिए जब ये विरोध प्रदर्शन करने यहाँ पर किसी कार्यालय पर आते हैं तो इन्हें बसों में ठूस कर भर लिया जाता है। और वहीं आप देखिए जब बीजेपी की जब रैलियाँ निकलती है, तिरंगा यात्रा निकलती है, चाहे वो कन्हैया लाल के लिए करोड़ों जो लोग यहाँ मौजूद हुए थे, लाखों की संख्या में संसद मार्ग घेर लिया था, तो वहाँ पर उनको रोका नहीं जाता है। सोचिए उनको कहीं पर भी डिटेन नहीं किया जाता है और वो इसी तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब किसी मासूम की हत्या कर दी जाती है, खासकर दलित समाज से आने वाला वो बच्चा, सिर्फ पानी पीने की वजह से उसको ये सज़ा मिली, बल्कि ऐसी सज़ा की जो मौत के घाट उतार दिया गया, तो सोचिए ऐसे लोग जब उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन लोगों को यहाँ पर गाड़ियों में भर लिया जाता है। तो ये दो तरीके की जो राजनीति चल रही है देश में, तो वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, 24 अकबर रोड, दिल्ली।